अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन खैरियत से होंगे। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत रानीगंज मगरबी बंगाल की तरफ से तमाम उलमाए किराम व अइमा मसाजिद और तमाम मसाजिद के सदर व सेक्रेटरी व मतवलियान पर मुश्तमिल एक अहम मीटिंग 11 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बड़ी मस्जिद रानीगंज राजा बांध में मुनक़िद हुई, जिसमें निकाह को आसान करने के लिए निकाह के मौके पर गैर शरई कामों, फजूल खर्ची और दिगर खुराफात के हवाले से बातचीत हुई। उलमाए किराम व आइमा मसाजिद और तमाम मसाजिद के सदर और सेक्रेटरी व मतवलियान ने मिलकर दर्जा ज़ेल शराइत तय किए, जिनमें पहली बात ये हुई कि शादी ब्याह के मौके पर डीजे, डांस, आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की जाए। दूसरी बात कि निकाह का वक्त 11 बजे तक और उज़्र माकूल की सूरत में 12 बजे तक ही रहेगा। तीसरी बात कि दिन तारीख मुकर्रर करते वक्त इस बात की वजाहत कर दी जाए कि वक्त मुकर्रर से पहले बारात पहुंच जाए। अगर 11 बजे के बाद बारात आएगी तो निकाह फजर के बाद पढ़ाया जाएगा। चौथी बात कि तारीख निकाह मुकर्रर करते वक्त इस बात की वजाहत कर दी जाए कि अगर डीजे नाच गाना के साथ बारात आएगी तो इमाम साहब उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और मज़कूर उसूल व ज़वाबित से तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान को मुतले कर दिया जाए के बाद में कोई वक्त पेश ना आए। अगर वक्त मुकर्रर के बाद या खुराफात करने के हवाले से अगर कोई बाहर के इमाम या कोई निकाह पढ़ा दे तो उसके खिलाफ सख्त नोटिस ली जाएगी। ये तंजीम उलमाए अहले सुन्नत रानीगंज पश्चिम बर्दवान मगरबी बंगाल की तरफ से ऐलान हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन इस ख़बर को सुनकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये एक अच्छी पहल है उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से। हमें और आपको चाहिए कि उलमाए कराम के नक्श कदम पर चलें और उनके कहे हुए बात पर हमें अमल करना भी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो इसी तरीके की अच्छी ख़बर आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।